मेरा मन इतना मोह लिया इस मंदिर में, आइए उनके दर्शन करते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति माता रानी की, देखिए कितनी खूबसूरत बाबा जी की प्रतिमा है। ऋषिकेश के पावन घाट पे है वो, एज इट इज टू कॉपी है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम धार्मिक और आस्था के इस सफ़र पे अपनी अगली पड़ाव लेकर के पहुँचे हैं बवाना क्षेत्र, दिल्ली के बवाना क्षेत्र के सेक्टर 4 में स्थित बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर मंदिर, जिसका आप प्रवेश द्वार देख सकते हैं, गंगा धाम गंगा टोली मंदिर। और चलते हैं, इस खूबसूरत जर्नी का शुभारंभ करते हैं और आइए चलते हैं मंदिर के अंदर जा करके वो भव्य दृश्य को देखते हैं और इस तरह से हम अंदर प्रवेश करते हैं। और यहाँ से भव्य दृश्य देखिए इस मंदिर का, चारों साइड में आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत दृश्य है। जहाँ भी आपके नज़र जाएगी इस मंदिर में, इस भव्य प्रांगण में, आप एक ही चीज़ यहाँ पर देख पाएंगे और वो है केवल दैविक दर्शन। और प्रवेश करते के साथ में आप देखेंगे कि राइट साइड के अंदर में बहुत ही भव्य है गंगा महाराज जी का एक ध्वनि स्थल कह सकते हैं हम, आप अंदर में आराम से दृश्य देख सकते हैं। जिन बाबा जी के नाम से यह मंदिर है, तो यहाँ पर इनका पूरा इतिहास लिखा हुआ है, आप नीचे देख सकते हैं। आप इसकी भव्यता देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरती से बना हुआ है मंदिर। देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति माता रानी की, और आइए माँ जगत जननी शिरो वाली माँ परिक्रमा करें। ये सारी 9 देवियों की मूर्तियां हैं। और उसके बाद हम आगे आए तो हमने देखा कि राइट साइड के अंदर में भगवान भोलेनाथ जी की बहुत ही भव्य मूर्ति बनी हुई है, बहुत ही भव्य शिवलिंग। और इस मंदिर की अगर परिक्रमा करें और उसके बाद हम पहुंचे अगले मंदिर की तरफ, तो आइए उनके दर्शन करते हैं भोले बालाजी महाराज जी की। देखिए कितनी खूबसूरत बाबा जी की प्रतिमा है, अगर परिक्रमा करें। राम कहानी सुनो भाई, राम कहानी राम कहानी, यही भजन गाते हैं जिससे कि माता को ये लगता है कि कोई राम भक्त आया हुआ है। और इससे आगे हम पहुंचे हैं, दृश्य बना रखा है सभी नवग्रहों का। ये शनि महाराज जी का ये मंदिर है, कितना खूबसूरत है। ये भव्य पार्क का है दृश्य है। मेरा मन इतना मोह लिया इस मंदिर ने कि ऐसा लग रहा है कि जैसे यहीं रह जाऊं। अब देखिए इस मंदिर की महत्ता, ये मंदिर इतना सुंदर है कि हरिद्वार में जो भोलेनाथ जी की मूर्ति ऋषिकेश के पावन घाट पे है वो एज इट इज टू कॉपी है। भक्तों अगर हम दूसरे साइड की बात करें, पार्क के बीचों बीच माँ माता रानी का, माँ शेरोवाली का बहुत ही भव्य मूर्ति, इतनी खूबसूरत मूर्ति है जैसे लग रही है माता रानी साक्षात जीवित अवस्था के अंदर यहाँ पर है। दूसरा उसके जस्ट पीछे आप देखेंगे भोलेनाथ पहाड़ के ऊपर में इतनी भव्य बहुत ही बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, आप देख सकते हैं सामने। यहाँ से देखिए भव्य दर्शन, जो माता रानी की मूर्ति का दिखाया था सामने से आप देख पा रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। और सामने भोलेनाथ जी पर्वत पे इतने खूबसूरती से खड़े हैं, साथ में आप देखिए गणपति महाराज जी अपने आसन पे विराजमान हैं, उनके जस्ट पीछे अगर देखेंगे तो भोलेनाथ अपने नंदी महाराज जी के साथ में खड़े हैं, परशुराम जी की पावन मूर्ति है, यही वो विराट रूप था इनका, आप देख सकते कितनी खूबसूरत है। श्री बांके बिहारी जी देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति है, और देखिए और यहाँ से देखिए बहुत ही सुंदर आपको
वृक्ष के पत्तों के बीचों बीच ये खूबसूरत मंदिर का आपको नज़ारा भी दिखेगा। देखिए चारों साइड ये मंदिर में जो मैंने आपको मूर्ति दिखाई इस रूप में भी इस तरफ से भी आप देख सकते हैं, बालाजी महाराज जी लेफ्ट साइड में और सामने दृश्य महाभारत का। कहते हैं इन्होंने अपने बांसुरी के धुन पे सारे संसार को रचाया। तो इस तरह से हमने आपको पूरे मंदिर का दर्शन कराया। आपको बताऊंगा आप यहाँ से अगर देख सकते हैं तो एक बहुत ही बढ़िया स्टेचूज की एक वॉल बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, आप देख सकते हैं पूरा दिखाएं धीरज जी। और इस वॉल के ऊपर में साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है श्री गंगा महाराज जी का संक्षिप्त जीवन दर्शन। और एक आश्रम भी बना हुआ है, अगर आप पीछे दिखा सकते हैं धीरज जी, ये देखिए गंगा आश्रम है। इसमें गंगा महाराज जी की पूरी जीवनी बताई गई है। इस मंदिर में जरूर दर्शन करने के लिए आए। इस मंदिर में आप आने के लिए बहुत आसान तरीका है, कई सारे साधन हैं जहाँ से आप आ सकते हैं। सबसे मुख्य जो यहाँ का है वो है बवाना बस स्टैंड को मुख्यतः जो आना है वो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के सेक्टर 4 में आना है। और इस सेक्टर 4 के अंदर में ये ई ब्लॉक पड़ता है। इस चैनल पर जो भी नए हैं, हमारे चैनल पर जो भी नए हैं, आप अपने चैनल पर जो भी नए हैं, उन सभी दोस्तों से उन सभी भक्तों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में रेड कलर का आप देखेंगे लाल कलर का बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक करके उसको भी ओपन करें। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा लाइक शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, और अपने परिवार को भी यहाँ पर ला सकते हैं। ये मंदिर आपके परिवार के उद्देश्य से दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया है, आप परिवार के साथ आएँ और इस मंदिर में दर्शन करें और आशीर्वाद दें। यकीन मानिए मुझे लगता है कि यहाँ पर आने के बाद आपको सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। कि होली से 4 दिन पहले यहाँ भव्य मेला लगता है। साथ यहाँ का वीडियो का विराम लेते हुए और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही सुंदर एक बार फिर से आस्था और धर्म के इस यात्रा की ओर। जय माता।